हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुंदर नगर लेक हिमाचल प्रदेश की। स्टार्ट करने से पहले आप जो है मार्केट अपडेट चैनल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए, आज हम मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं, तो ये है सुंदर नगर लेक जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। मॉर्निंग का टाइम है, 6 बजे के आसपास का टाइम है अभी, और मॉर्निंग वॉक के लिए हम निकले हैं। मौसम भी बहुत बढ़िया है। ये देखिए कितना ओवरव्यू। और ये जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये जो है रास्ता जाता है शीतला माता मंदिर के लिए, और हम जो है जाएंगे अपने मॉर्निंग वॉक ट्रैक में लेफ्ट साइड, और हम जो है जा रहे हैं। ये हमारा ट्रैक है मॉर्निंग वॉक का, और मॉर्निंग वॉक के लिए हम निकल चुके हैं। सामने आपको मैं लेक का एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लेक है सतलुज ब्यास लेक, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है गेट्स। कितना बढ़िया है। और ये जो गेट्स हैं, इनका काम है वाटर को फ्लो, जो वाटर का फ्लो रहता है उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पे वाटर का प्रेशर और जो अपना मतलब गहराई जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा रहती है यहाँ पे। और जो गेट्स का काम है, वो मेनली काम है वाटर को का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करता है मेनली। यहाँ मॉर्निंग में बहुत से लोग आते हैं, और बहुत बढ़िया जगह है ये मॉर्निंग वॉक के लिए। बहुत अच्छा प्लेस है। एक पूरा राउंड है ये तकरीबन कंट्रोल गेट, यहाँ से मैंने आपको गेट्स दिखाए, यहाँ से तकरीबन आप पूरा राउंड काटेंगे तो आपको ये लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। और ये जो साइड में रखा है, ये स्टॉप लॉक गेट्स रखे हैं इन्होंने। कभी मेंटेनेंस गेट्स का करना है तो इन गेट्स को उठा के इसके अंदर डालते हैं, और मेंटेनेंस करने के टाइम पर इसका यूज़ होता है। और ये देखिए, कुछ लोग जो हैं वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं, और इतना बढ़िया है, मौसम भी बहुत अच्छा है। साइड में देखिए, मैं देखो व्यू देखिए आप लेक का, पानी एकदम बिल्कुल साफ़ है आज, बहुत बढ़िया। सुबह मॉर्निंग वॉक में जो है ना, मतलब अच्छा एयर रहता है एकदम, सबको करना चाहिए मॉर्निंग वॉक वैसे। सर ये देखिए, जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, सिल्ट एक्सट्रैक्टिंग मशीन है। ये जो पाइपलाइन देख रहे हैं आप, इसके थ्रू जो है सिल्ट बाहर निकलता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें है, जो पाइपलाइन के नीचे आप ड्रम देखेंगे, कभी भी आप जाएंगे कभी लेक के पास, तो पाइपलाइन के नीचे एक छोटे छोटे ड्रम रखे हुए हैं। ये ड्रम का काम क्या है? ये ड्रम का काम है कि ये फ्लोट करते हैं पानी के अंदर। तो जो पाइपलाइन है, पाइपलाइन के नीचे या जो मशीन है हमारी, उसके नीचे भी रखे हुए हैं ये ड्रम्स। तो ये ड्रम्स जो हैं, ये डूबते नहीं हैं पानी के अंदर, इसलिए इन्होंने रखा हुआ है सब। और अब चलो हम आगे निकलते हैं। कर्म ही पूजा है सामने बोर्ड लगा है, और ये देखिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं तो आप जा सकते हैं, कोई इसमें कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जाइए। मेरे जो ये देखिए आप लेफ़्ट साइड में पूरा लेक का एक व्यू है, यहाँ पे वाइड हो जाती है लेक पूरी आके। और दोस्तों, वैसे मॉर्निंग वॉक जो है करनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने से ऐसा है कि आजकल जो एनवायरनमेंट है, सब कुछ है, उसमें मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, योगा जितना हो सके अपने मतलब हेल्थ का ध्यान रखिए। क्योंकि जो है पहले ही डॉक्टर जो मेडिसिन हमें पहले ही बोले, उसके पहले ही हमें अपना जो है ख्याल रखना ज़रूरी है। और ये देखिए, ये जो है दोस्तों, ये पंप लगे हैं, ये पंप मशीन है ये, जिसके थ्रू ये घूमेगा, और ये प्रेशर बना के जो है इसके थ्रू जो है सिल्ट ये पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद जो है इस पाइप के थ्रू जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पाइप के थ्रू ये जो है सिल्ट बाहर निकाल लेगा। आज जो है लेवल बहुत डाउन है, मतलब जब ये सिल्ट निकालते हैं शायद लेवल भी डाउन करते हैं उस टाइम पे, और इसके थ्रू जो है ये पंप लगे हैं, पंप के थ्रू बाहर निकाल देते हैं सिल्ट जितना रहता है। और मेरे जो राइट साइड में देखिए, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये नेशनल हाईवे आ रहा है नया 21, तो इसका काम जो है बिल्कुल प्रोग्रेस में चला हुआ है अभी। ये कुल्लू मनाली के लिए हाईवे है नेक्स्ट आगे, यहाँ से ही मतलब ट्रैफिक जो है, टूरिस्ट वगैरह जो है जाएंगे। और हम भी निकले हुए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है एकदम। और बहुत से लोग मिले हमें अभी, और कुछ लोग योगा कर रहे थे, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ रनिंग कर रहे हैं, मतलब अच्छा लगता है लोगों को देख के। और वो देखिए पहाड़ी पर जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ी पर जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पर सामने, और भोजपुर बाज़ार भी इस लेक की उस तरफ है। तो हर लोग आते हैं भोजपुर से, पुराना बाज़ार से, और जांगा कॉलोनी हो गया, कॉलोनी हो गया, सब जगह से लोग आते हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो
ठीक है, वो तो अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसे है ना, ग्रीनरी है, इतनी बढ़िया ग्रीनरी है। एक्चुअली अगर आप ऐसे डे टाइम में आएंगे या कुछ आएंगे, उतना फील नहीं आएगा आपको। फील आएगा मतलब ऐसा नहीं है, बट मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, मॉर्निंग में एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग ही फीलिंग रहती है। कभी भी आप एक बार आके देखिए। अरे देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेशनल हाईवे का काम पूरा अच्छा रोड बन रहा है, चौड़ा रोड है। और ये जो डंपर आ रहा है इसे, ये डंपर जो है ये मिट्टी लेके यहाँ से जो मिट्टी निकल रहा है उनको शिफ्ट कर रहा है कहीं एक जगह पे। और ये जो ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको सामने, ये ब्रिज जो है, ये जो सामने जो आप देख रहे हैं एक विलेज जैसा है, टाउन है, तो इन लोगों को कनेक्ट करता है एक साथ। ये पाइपलाइन में देखिए, आप मैं दिखा रहा था ना आपको, सिल्ट जो निकलता है बाहर, ये देखिए, ये ऐसे करके, ये लेफ्ट साइड से, ये देखिए इस तरफ मैं राइट साइड जा रहा हूँ अभी, तो वहाँ से ये पंप जो है सिल्ट को उठाएगा और यहाँ से इस तरफ लेफ्ट साइड में जाके उस तरफ बैक साइड में ये फेंकता रहेगा, सिल्ट को फेंकता रहेगा। क्योंकि नदी से अगर निकालेगा, वहाँ से लेक से निकालेगा, तो लेक से निकालने के बाद वहाँ उस तरफ फेंकेगा और वहाँ पे एकुमुलेट होता रहेगा ये। और यहाँ पे देखिए, मेरे आगे मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना बढ़िया जो है ये, एक लाइन में, एक सीरीज में, तो बहुत बढ़िया पेड़ लगे हुए हैं एकदम। ये भी एक छोटा सा बाग समझ लीजिए। यहाँ पे भी आप आराम से बैठ के योगा, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज कुछ कर सकते हैं, तो मतलब अच्छा है। और ये है हमारा ट्रैश रैक एरिया, इसे शीश महल भी बोलते हैं इधर। और ये ट्रैश रैक क्या होता है, जितना भी मलबा, जितना भी कूड़ा करकट जो है नदी का, प्लास्टिक वास्टिक जो भी फेंकते हैं आप लोग, तो यहाँ पे आके फंस जाता है वो। यहाँ से जो है वो पास नहीं होता है आगे, क्योंकि इसके बाद जो है ये नदी जो है अंडरग्राउंड हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देगी आगे, पंडों में जाके कहीं दिखाई देगी। और ये इन्होंने एक बैरिगेट लगाया हुआ है, ये जितना भी देखिए कितना ज़्यादा एक्युमुलेट हुआ है गार्बेज, ये देखिए। मतलब हम लोगों को भी देखना चाहिए कि इतना कूड़ा करकट नहीं डालना है। ये है दोस्तों गौशाला, ये भी आपको जाते जाते मॉर्निंग वॉक जाएंगे तो आपको दिखेगी वहाँ पे गौशाला, जो गाय हैं, आवारा गाय हैं जो मिलती हैं लोगों को, तो ये लोगों को पालते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसको हेल्दी रखते हैं, और बहुत अच्छी बात है ये। और मैं आ गया हूँ यहाँ मॉर्निंग वॉक करते करते, मेरे राइट साइड में ये जो आप देख रहे हैं, ये है सुंदरनगर का बस स्टैंड। कितना अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन स्टेज में है, थोड़ा इसका ना जो फ्लोरिंग व्लोरिंग शायद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये लोग, बिल्डिंग तो नई बन गई है, पर थोड़ा सा अभी जब कंस्ट्रक्शन फुल कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा देखने में। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम पे, उसमें दिखाऊंगा। और ये नेशनल हाईवे है जो अभी करंट में जो चल रहा है नेशनल हाईवे, तो ये देखिए टूरिस्ट जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं। और ये हमारा एक गेस्ट हाउस, देखिए सामने गेस्ट हाउसेज हैं, यहाँ पर टूरिस्ट रुकते हैं, मनाली जाने वाले टूरिस्ट रुकते हैं और सुबह मॉर्निंग में अपना निकलते हैं आगे। और ये हमारी लोकल बस है सुंदरनगर की, ये देखिए, ये अभी गाड़ियाँ लगी हैं बाहर, तो ये टूरिस्ट ही हैं। ये हमारा लोगो है, वेलकम टू सुंदरनगर, हार्ट ऑफ हिमाचल, बहुत बढ़िया लोगो लगता है। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ये सारे टूरिस्ट जितने भी हैं, सुबह मॉर्निंग में देखिए कितने टूरिस्ट निकल रहे हैं। और ये मैं बैक साइड में आपको कैमरा दिखा रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ से मैं आया हूँ अभी मॉर्निंग वॉक करके, तो ये पूरा लगभग 5-6 किलोमीटर हो जाता है मेरा, तो काफ़ी है वैसे, और आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।